इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास आज दोबारा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। गुज़श्ता 4 इजलास अब तक नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। ज़रा के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया बताएगा क्या तफसीलात हैं इस इजलास से मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशितों के हवाले से इजलास हम देख रहे हैं जारी हैं। अब तो 4 इजलास हो चुके हैं। जाहिर तरीका है कि आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है और अभी तक 4 इजलास हुए थे वो नतीजों के साबित नहीं हुए थे। कानूनी माहरीन से मुशावरत जो है वो जारी है। आज चीफ इलेक्शन कमीशनर दोबारा से इजलास की सदारत करेंगे। निगरान शरीक होंगे, हुकाम शरीक होंगे और कानूनी टीम जो है वो शरीक होगी और इजलास में मखसूस नशितों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर जो है वो गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशितों के हवाले से इजलास हम देख रहे हैं जारी हैं। अब तो 4 इजलास हो चुके हैं। जाहिर तरीका है कि आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है और अभी तक 4 इजलास हुए थे वो नतीजों के साबित नहीं हुए थे। कानूनी माहरीन से मुशावरत जो है वो जारी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा से इजलास की सदारत करेंगे। निगरान शरीक होंगे, हुकाम शरीक होंगे और कानूनी टीम जो है वो शरीक होगी और इजलास में मखसूस नशितों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर जो है वो गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशितों के हवाले से इजलास हम देख रहे हैं जारी हैं। अब तो 4 इजलास हो चुके हैं। जाहिर तरीका है कि आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है और अभी तक 4 इजलास हुए थे वो नतीजों के साबित नहीं हुए थे। कानूनी माहरीन से मुशावरत जो है वो जारी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा से इजलास की सदारत करेंगे। निगरान शरीक होंगे, हुकाम शरीक होंगे और कानूनी टीम जो है वो शरीक होगी और इजलास में मखसूस नशितों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर जो है वो गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशितों के हवाले से इजलास हम देख रहे हैं जारी हैं। अब तो 4 इजलास हो चुके हैं। जाहिर तरीका है कि आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है और अभी तक 4 इजलास हुए थे वो नतीजों के साबित नहीं हुए थे। कानूनी माहरीन से मुशावरत जो है वो जारी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा से इजलास की सदारत करेंगे। निगरान शरीक होंगे, हुकाम शरीक होंगे और कानूनी टीम जो है वो शरीक होगी और इजलास में मखसूस नशितों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर जो है वो गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशितों के हवाले से इजलास हम देख रहे हैं जारी हैं। अब तो 4 इजलास हो चुके हैं। जाहिर तरीका है कि आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन में इजलास होने जा रहा है और अभी तक 4 इजलास हुए थे वो नतीजों के साबित नहीं हुए थे। कानूनी माहरीन से मुशावरत जो है वो जारी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा से इजलास की सदारत करेंगे। निगरान शरीक होंगे, हुकाम शरीक होंगे और कानूनी टीम जो है वो शरीक होगी और इजलास में मखसूस नशितों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर जो है वो गौर किया जाएगा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com